हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजी टेक्नो ट्रिक्स अगेन। ये है कुलपैट डायजन वन, और मुझे पता है आप वो जो पहली वीडियो देखा होगा आपने, इसीलिए आप अभी वॉच कर रहे हो। तो जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा है, मैं इसमें अभी बताने जा रहा हूँ आपको कैसे आप, अगर आपका फ़ोन ब्रिक हो गया है, यानी सॉफ्ट ब्रिक हो गया है, या फिर कुछ भी है, आपको वापस से अपने कुलपैट में आना है, तो आप उसका स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश कर सकते हैं इस पर। तो मेरा तो फ़ोन ब्रिक नहीं है, चल रहा है, क्योंकि मैंने सही से सारा प्रोसेस किया। कुछ लोग गलत कर रहे हैं तो वो फ़ोन ब्रिक हो जा रहा है, या डाउनलोड एंड इंस्टॉल पैकेज पर अटक जा रहा है, या फिर फ़ोन बस स्विच ऑन करने में वाइब्रेशन हो रहा है, या चार्ज करने में बस LED ब्लिंक कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा। तो ये उनके लिए, और जिनका फ़ोन कम्प्लीटली डेड है तो आई डोंट नो कि ये वर्क करेगा, यानी आप ट्राई कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने स्टॉक फर्मवेयर करके एक लिंक दिया है, वहाँ से आप स्टॉक फर्मवेयर डाउनलोड कर लीजिए। और इसके लिए चाहिए आपको एक PC। तो अब PC पे क्या करना है उसे डाउनलोड करने के बाद मैं बताता हूँ। तो चलते हैं PC पे। तो फ्रेंड्स, ये मैं PC पे आ गया हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं था और आपको दिखाना भी था, तो इसलिए मैं कैमरा पे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत लंबा काम नहीं है, तो आप देखें, जैसा कि मैंने बोला, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे स्टॉक फर्मवेयर का लिंक मिलेगा, पहले उसे डाउनलोड कीजिए फर्स्ट, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद मैंने डाउनलोड कर रखा, ये न्यू फोल्डर, ये देखिए, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ा होगा तो जूम करता हूँ, ये देखिए, ये कूलपैड डजन वन, ये फाइल आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। और फिर इसको एक्सट्रैक्ट WinRAR के थ्रू करना है, वो आपको पता होगा, तो मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, तीन फोल्डर, ध्यान से देखिए, फिर से मैं जूम कर रहा हूँ, ड्राइवर, फर्मवेयर, IGDP, ये सब का कोई काम नहीं। तो पहले ड्राइवर ओपन कीजिए, ये आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये इसका कूलपैड का ड्राइवर सेटअप, इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर उसके बाद एक और है YGDP टूल, इसे भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर क्या करना है, ये इंस्टॉल हो गया, फिर PC को आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आप रीस्टार्ट कर लोगे, फिर आपको क्या करना है, ये इंस्टॉल हो गया ड्राइवर आपका, अब ये YGDP यहाँ पे आ गया, डबल क्लिक करके खोलिए, ठीक है। अब डबल क्लिक करके आप खोलेंगे तो आप, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, बट ये यहाँ पे मांग रहा है पासवर्ड। तो पासवर्ड क्या है इस सॉफ्टवेयर का, वो है 369, आपको यहाँ डॉट दिख रहा है, ये मैंने पासवर्ड ही डाला है 369। फिर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, ये खुल गया। अब आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक करना है, प्लीज़ सेलेक्ट CPP फाइल। तो आपको यहाँ CPP फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, लोकेट कर लीजिए कहाँ पे है, जैसे कि आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे मैं अपना फोल्डर खोल लीजिए, फर्मवेयर के अंदर मिलेगा CPP फाइल, इसको कर लीजिए ओपन, और कुछ नहीं करना, रिसोर्स फाइल, ये सब कुछ नहीं, अप्लाई, अभी अप्लाई होने में टाइम लगेगा। तो अब इसके बाद बस क्या करना है, ये हमें स्टार्ट में क्लिक करना है, यहाँ देखिए आप वेरीफाई डेटा फाइल ओके बात आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे वेरीफाई डेटा फाइल ओके, अब हमें स्टार्ट में क्लिक करना है। अब ये स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, एंटरिंग डाउनलोड मोड बता रहा है। अब आपको क्या करना है, आपका फ़ोन USB से कनेक्ट करना है, और ये ध्यान रखिएगा, जब आप USB से फ़ोन को कनेक्ट करेंगे तो वॉल्यूम अप बटन दबा के रखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। तो ये है कूलपैड डजन वन। तो अभी वहाँ हमने सारा कुछ कर दिया PC पे, अभी इसको क्या करते हैं, पावर ऑफ कर लेते हैं।
ठीक है। और ये रहा यूएसबी केबल, ये एक साइड से पीसी पे कनेक्टेड है। अभी हम इसे वहाँ पे मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आपको करना है, प्लीज़ मिस यूज़ इधर उधर मतलब उल्टा सीधा मत कीजिएगा। तो स्टार्ट पे क्लिक कर दिया, अभी इसे भी स्विच ऑफ कर दिया। अब सारा चीज़ ओके है, बस अब इसे ये हम यूएसबी को लगा देंगे। देखिए ये मैंने बिना बटन प्रेस किए लगाया तो ये बैटरी चार्ज होने लगा। तो ये दिखा रहा हूँ कि ऐसा मत कीजिएगा, आपको बटन प्रेस करते हुए लगाने हैं। कौन सा? वॉल्यूम प्लस बटन। तो ये मैंने फिर से यूएसबी खोल लिया, ये देखिए वॉल्यूम प्लस बटन है, इसे दबा के रखिए, दबा के रखना ही होगा। और अब लगाइए यूएसबी, देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल पैकेज, दिस में एक्सपोज डिवाइस टू फॉल्स एंड हिडन ट्रबल्स, ऐसा ही कुछ बाकी लोगों के साथ हो रहा है। तो ये अभी भी आएगा और अब ये आपका हो जाएगा काम। तो अब ये कनेक्ट कर दिया, अब आपको पीसी पे आइए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, फ़ोन को रख देता हूँ, आप आइए पीसी पे। आपको एक स्टार्ट बटन दिख रहा है, इसे प्रेस कर दिया, शायद आपने पहले प्रेस कर दिया होगा, तो कोई बात नहीं, तो प्रेस कर दीजिए। और फ़ोन को लगाएंगे क्या, वॉल्यूम प्लस दबाते हुए यूएसबी कनेक्ट करेंगे, तो ये इस तरह आएगा। और नीचे देखिए क्या पूछ रहा है, प्रेस वॉल्यूम अप की टू कंफर्म, तो हम वॉल्यूम अप दबा देंगे यहाँ पर। और ये बोल रहा है डू नॉट डिस्कनेक्ट द डेटा केबल, तो हम इसे रख देते, ये हो गया कनेक्ट। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए 11%, यहाँ पे सेल ज़ीरो डिटेक्स डिवाइस कनेक्टेड 11%। और इस तरह ये अभी आगे बढ़ेगा, 100 तक जाएगा, डैट मीन्स आपका फ्लैश हो गया कंप्लीट। फ़ोन रिमूव कीजिए, आपका कूल पैड का डिफ़ॉल्ट UI आ गया, ब्रिक फ़ोन ठीक हो गया, सब ओके हो गया। दोबारा से MIUI 7 में जाना है तो मेरी वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर से MIUI 7 में आप जा सकते हैं, JioSIM चला सकते हैं। तो 22% हो गया, आप देख सकते हैं। और फ़ोन अभी डाउनलोड मोड में है। इन्फॉर्मेशन डू नॉट डिस्कनेक्ट द केबल, ऐसा लिखा आ रहा है यहाँ पर, तो आप डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा। बाय चांस डिस्कनेक्ट हो भी गया तो सेम प्रोसेस शुरू से स्टार्ट कीजिएगा कॉन्फ़िगरेशन से, और ठीक हो जाएगा। तो अभी ये 100% हो जाएगा, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ आपको कि सब कुछ ओके है, ब्रिक डिवाइस आपका ठीक हो चुका है। तो चिल मारिए, अब बस 3% है, 2%, एंड सॉरी फॉर द कंडीशन ऑफ रिकॉर्डिंग, क्योंकि पीसी रिकॉर्डर था नहीं तो कैमरा से रिकॉर्ड करना पड़ा। ये देखिए ये ऑटोमेटिक फ़ोन, ये 100% बताया, एक साउंड किया और ये सक्सेस दिखाकर, ये टिक मार्क दिखाकर मेरा फ़ोन देख सकते हैं खुद ब खुद ऑन हो गया है बैटरी मोड में। ये कूल पैड की बैटरी मोड है चार्जिंग। तो अभी हम आपके सामने इसको स्टार्ट करते हैं नॉर्मल, पावर बटन प्रेस करके देखते हैं क्या आता है। कूल पैड आया, रूट, देखिए ये अभी तक कूल पैड के लोगों पे तो फर्स्ट टाइम ये टाइम लगेगा, कम से कम 15 मिनट भी लग सकते हैं, तो हड़बड़िएगा मत, क्योंकि आपने फ़ोन का स्टॉक फर्मवेयर फ्लैश किया। ये वही फाइल होता है जो सर्विस सेंटर वाले फ्लैश करते हैं आपके फ़ोन को ठीक करने के लिए। तो आप सर्विस सेंटर ही, देखिए कूल UI वेलकम, ये हो गया आपका फ़ोन बिल्कुल ओके। ये आपको लाल कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, एंड बाय बाय। दिस इज़ उत्तम फ्रॉम लेजी टेक्नो ट्रिक्स साइनिंग ऑफ, बाय बाय।